हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम करने वाले एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमने ये पहले ऑलरेडी देखा था द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव इंटेग्रल ई डॉट डी आर। और इस पर हमने प्रॉब्लम्स भी किए हैं, जहाँ पे हम लोग मान लो ये दो पॉइंट ए और बी के बीच में, ठीक है। तो हमने ये भी देखा, ये इस पे प्रॉब्लम्स कर लिया है जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फंक्शन दिया रहेगा एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने का क्वेश्चन हमने कर लिया। ऑलराइट, नाउ दिस इज समथिंग सिमिलर। इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दिया रहेगा एंड इन दैट केस हाउ डू यू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ओके, एंड अगर पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके बेसिस पे किसी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगा वो भी देख लेते हैं। ऑलराइट, नाउ तो इसमें अब ये जो ग्राफ दे रखा है तुम्हें, तो इस ग्राफ में यू कैन सी दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू टू तक लीनियर है एंड इट इज कॉन्स्टेंट। ओके, इट इज कॉन्स्टेंट एंड उसका वैल्यू कितना है? 10 है। Now, उसके बाद x इज इक्वल टू टू से x इज इक्वल टू फाइव तक वो लिनियरली डिक्रीज कर रहा है। ऑलराइट, एंड एट x इज इक्वल टू फोर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है। हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, राइट, एंड यहाँ पे नेगेटिव फाइव है। ऑलराइट, नाउ सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें क्या दे रखा है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद पोजिशन एक्स इज शोन इन द ग्राफ, जो कि हमने देख लिया। If the electric potential at the origin x is equal to zero पे potential कितना दे रखा है? 10 volts, मतलब x is equal to zero पे कितना volts दे रखा है? 10 volts. Then find the potential energy of a minus 3 coulomb charge at x is equal to 5 meters. मतलब जब चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तब उसका एनर्जी कितना रहेगा, ठीक है। Now here's the thing, इधर सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड अगर हमने वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया तो एनर्जी वुड सिंपली बी व्हाट? चार्ज इनटू वोल्टेज। ओके, चार्ज तो हमें पता है माइनस थ्री कूलम्स एंड वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, आई एम क्लियरिंग एवरीथिंग नाउ। तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो अभी हमने जस्ट देखा कि डेल्टा वी क्या होता है। डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी। नाउ हियर इज द थिंग, ये जो फॉर्म है ये थ्री डायमेंशनली वैलिड है। तो इसमें जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें सिर्फ सिंगल डायमेंशंस के लिए चाहिए एंड इट इज क्वाइट वेल, इट इज ऑब्वियस कि हम लोग जब ग्राफ्स प्लॉट करेंगे उसमें दो ही चीज प्लॉट करेंगे। अगर प्लेन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो टू डायमेंशनल ग्राफ, तो उसमें एक तो एक एक्सिस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो दूसरा वेरिएशन एक ही एक्सिस के अबाउट लिख सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के अबाउट का वेरिएशन बताया गया, ठीक है ना। तो इसका इसी इक्वेशन को कैसे मैं लिख सकता हूँ? डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटेग्रल ई डीएक्स लिख सकता हूँ। ओके, ई एक्स डीएक्स या फिर जस्ट ई डीएक्स। ऑलराइट, अगर एक्स के साथ वेरी हो रहा है तो, क्योंकि वाई और जेड का कोई रिलेशन कुछ बताया नहीं गया। Alright, from A to B. Okay, तो देखते हैं। अब इधर का वोल्टेज जो है, इधर का अपने पोटेंशियल ले लेते हैं वी, और इधर का हमें पता है कितना दे रखा है, इट इज 10 वोल्ट्स। ओके, नाउ अगर ये टर्म देखो तो ये टर्म क्या है? वॉट इज दिस टर्म, सॉरी दिस पर्टिकुलर टर्म, ये जो पर्टिकुलर टर्म है दैट इज एरिया। ये क्या है? एरिया, एरिया ऑफ द ग्राफ। ओके, All we need to do here is find the area. तो अगर एरिया लिखूं तो लोग इसको देखो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। ये एरिया दिख रहा है तुम्हें, दिस वन, ये एरिया। तो इस एरिया का, इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया कितना रहेगा? 2 into 10, इसका एरिया कितना हुआ? प्लस 20. ओके, हमें पता है कि इस एक्सिस के ऊपर का जो एरिया रहेगा पॉजिटिव रहेगा, नीचे का एरिया नेगेटिव रहेंगे। ओके, नाउ उसके बाद वॉट अबाउट दिस वन? इस एरिया का क्या रहेगा? This particular area. तो इस पर्टिकुलर एरिया का, ये तो ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 10 इंटू, ये बेस कितना है? 2 है। ओके, तो हाफ इंटू
into 10, that is 10. Okay, this will be plus 10. All right. Similarly, what about this one? This area. Ye jo area dikh raha hai. So, is area ka value kitna rahega? It is going to be negative, kyunki niche ki taraf hai. Iska reason kya hai ki x, jo delta x rahega, hum log change in x is taraf le rahe, aur electric field negative hai. Isliye minus into ye negative ho gaya. Sorry, ye positive ho gaya. ये जो है वो नेगेटिव हो गया और ये क्या रहेगा पॉजिटिव, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव रहने वाला है फॉर द ग्राफ्स बिलो द एक्स एक्सिस. तो यहाँ माइनस ई एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ई एक्स डी एक्स कितना रहेगा, इसका एरिया वुड बी अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. व्हाट्स द बेस? बेस इज 1, 4 से 5 के बीच का, ठीक है. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज 5, तो दैट इज गोइंग टू बी माइनस 5/2. ओके, सो तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूं. अभी आई कुड राइट डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एरिया. ओके, तो नेगेटिव ऑफ एरिया, तो नेगेटिव ऑफ एरिया करेंगे तो देखो कितना है, माइनस ऑफ एरिया कितना हो टोटल 20 + 10 - 5/2 को 2.5 लिख दिया. ओके, तो कितना है अब देखो, डेल्टा वी मतलब क्या होगा, इधर का वी माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है. वी माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट इज दिस वैल्यू, इट इज माइनस ऑफ 27.5. ऑलराइट, तो इधर से वी कितना आया अपने को, वी का लिया आया 17.5 वोल्ट्स, ठीक है. तो वोल्टेज एट एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर्स कितना है, 17.5 वोल्ट्स, ठीक है. तो ये सपोज टू कैलकुलेट दी पोटेंशियल एनर्जी, तो यू कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी चार्ज इनटू वोल्टेज, और हमें पता है चार्ज कितना दे रखा है, -3 कूलम्स, तो ये कितना आ जाएगा, -3 इनटू, सॉरी ये दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ओके, इनटू -17.5. ओके, सो इसका वैल्यू क्या होगा, 3 × 17.5, it is 45 + 7.5, that is 52.5. So the answer is 52.5 joules. Okay, so that was the problem, how to calculate potential ya fir potential energy of a given charge from a given EX graph. All right.